हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है एक और वीडियो में। तो आप सबके लिए एक वैकेंसी आने वाली है, उसी को लेकर के ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। तो आप देखिए कौन सा वैकेंसी है। तो बीएसएससी सीजीएल 4 बहुत दिन से आप सब इंतजार कर रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे ये फॉर्म आने वाला है, ठीक है। तो बीएसएससी सीजीएल 4 और 70 बीपीएससी लेकर के एक आर्टिकल छपा है न्यूज़पेपर में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं अंडरलाइन करता हूँ, देखिए, चतुर्थ स्नातक परीक्षा से 25,000 और 70वीं बीपीएससी से 1,000 पदों पर होगी बहाली। यानी आप इस बात से अनुमान लगा ले कि 2025 में चूंकि बिहार में इलेक्शन है, तो इलेक्शन ईयर में ज़्यादा वैकेंसी आता है, क्योंकि सरकार चाहती है कि स्टूडेंट उसको वोट करे, उसके फेवर में वोट करे। तो ये सब बात आपको समझ में आई होप कि आता होगा। तो वैकेंसी आएगी ही आएगी। अभी देखिए इस साल बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, जैसे इंटर बीएसएससी इंटर लेवल का वैकेंसी है, बीएसएससी सीजीएल 4 का वैकेंसी आएगा, 70 बीपीएससी का आया। इसके अलावा रेलवेज में भी काफ़ी केंद्र सरकार भर्ती लाएगी, एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, ठीक है। पंचायत लेवल पर आपका वैकेंसी आ रहा है, उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा, 15,000 कुछ वीडियो, उसमें बहुत सारे टीचर इस पर भी वीडियो बनाए कि सीधी भर्ती है, परीक्षा नहीं है। परीक्षा तो होगा ही, ठीक है, बिना परीक्षा के आप ऐसे कैसे चयन कर सकते हैं किसी का। तो ये सब बात है। अभी बात करते हैं हम सब सीजीएल 4 और 70 बीपीएससी के लिए। तो 70 बीपीएससी का तो आई होप कि आप सब समझ के रखिए कि 30 सितंबर को एग्जाम होगा, ठीक है। इसका तो किंतु परंतु वाला मुझे सवाल नजर नहीं आता है। 30 सितंबर 2024 को 70 बीपीएससी पीटी का एग्जाम होगा, 1,000 पदों पर हो रही है बहाली। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है तो 1,800 से 1,000 पदों के बीच में होगी वैकेंसी, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें इवन बीयू का भी पोस्ट होगा, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का भी पोस्ट होना चाहिए, और भी बहुत सारे पोस्ट होंगे, वो तो जब आएगा फॉर्म तो मैं बाद में बना दूंगा वीडियो। अगर आप 70 बीपीएससी की तैयारी अभी से कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे बायोलॉजी शुरू किया गया है, आप वहां से जाकर के बायोलॉजी में अगले 10 दिनों में खत्म कर दूंगा, 10 से 12 दिनों में। अगले 60 दिनों में मेरा ये टारगेट है, यानी 20 दिन में बायोलॉजी और 20 दिन में फिजिक्स और 20 दिन में केमिस्ट्री। और बीएसएससी सीजीएल 4 भी सेम है, लगभग बीपीएससी के अकॉर्डिंग टू ही पूछेगा, अगर साइंस प्रोस्पेक्ट से देखें, ठीक है। यहाँ हिस्ट्री ज्योग्राफी प्रोस्पेक्ट से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ साइंस के। तो साइंस सेम लगभग पूछेगा। तो बीएसएससी सीजीएल 4 की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो 70 बीपीएससी के लिए जो मैं बायोलॉजी का सेक्शन डाल रहा हूँ आप एक बार पढ़ के देखिए, अगर आपको पसंद नहीं हुआ तो आप फिर आपको नहीं पढ़ना है। इसमें से कोई वो तो नहीं है कि जबरदस्ती मैं पढ़ने बोलूंगा, लेकिन अभी से आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपको इस बीएसएससी सीजीएल 4 और 70 बीपीएससी पीटी में, मतलब 70 बीपीएससी में आपको अगर नौकरी लेना है, अगर इन दोनों का पैटर्न अलग अलग है, देखिए बीपीएससी में चूंकि आपका मेंस में आपको लिखना पड़ेगा तो उसका थोड़ा सा पैटर्न अलग है, लेकिन आप पीटी की जब तैयारी करेंगे तो आपका सीजीएल 4 का साइंस और जीके दोनों कंप्लीट हो जाएगा, ये बात समझ लीजिए। सीजीएल 4 में आपको मैथ और रीजनिंग अच्छा आना चाहिए, अच्छा मतलब कि टफ टफ क्वेश्चन आप सॉल्व करने लायक रहें, और बीपीएससी में आपको राइटिंग लिखने आना चाहिए, मेंस आंसर राइटिंग करना आना चाहिए, जिसका मैं वीडियो एक दो वीडियो आज या शाम तक में मैं अपलोड करूंगा, तो आप सब देख सकते हैं। तो वैकेंसी आई हुई है 25,000 वैकेंसी। बहुत सारे लोग ये अनुमान लगाएंगे कि अभी नहीं आएगी, कब आएगी, नहीं आएगी, उन सब चक्कर में अगर आप रहेंगे तो आज तक बेरोजगार हैं और आगे भी बेरोजगार रहेंगे, सिंपल सा बात है, ठीक है। आपको अभी से सीरियस होकर के, मान के चलिए कि आ गई है वैकेंसी, आपको सीरियस होकर पढ़ाई करना है। अगले 5 से 6 महीने में आपका बीएसएससी सीजीएल 4 का हमको लगता है कि एग्जाम होगा ही होगा, क्योंकि 25 में इलेक्शन है, और 25 में जब इलेक्शन है बाबू, तो सिंपल सा बात है, इलेक्शन से पहले स्टूडेंट को रिझाने के लिए सरकार बहुत सारा अपना लॉटरी खेलेगी। तो इस लॉटरी में ये वाला लॉटरी आया हुआ है, चतुर्थ स्नातक परीक्षा 25,000 और जल्द से जल्द एग्जाम लेने का भी प्रक्रिया पूरा हो सकेगा, ताकि भाषण में नेताजी सब यूज कर सकेंगे कि हम इतना वैकेंसी दिए, जैसे टीचर वाले में यूज करते हैं ये सब, ठीक है। तो हम सबको उसके ऊपर नहीं जाना है, हम सबको ये काम करना है कि हम सबको जो भी वैकेंसी आ रही है, जो भी पद आ रहा है, उसको ग्रैब कर लेना है, पकड़ लेना है, ठीक है, और नौकरी लेना है। तो नौकरी लेने वाले के लिए एक सलाह मैं देना चाहता हूँ, मेरा भी एक्सपीरियंस है, तो नौकरी लेने वाले के लिए ये सलाह है कि आज से एक डायरी ले, डायरी लेकर के पढ़ना शुरू कर दें। 8 घंटा डेली आपको पढ़ना है, इससे कम नहीं पढ़ना है, इतना बात समझ में आ गया होगा। बीपीएससी के लिए मैं बायोलॉजी सेक्शन डाल रहा हूँ, बीएसएससी वाला उस बायोलॉजी को देखेंगे, आराम से काम हो जाएगा, आप आराम से देखिए, एक बार भरोसा रखिए। अभी हमारा चैनल चूंकि नया है, कम सब्सक्राइबर है, तो बहुत लोगों को भरोसा नहीं होता, उतना व्यूज नहीं होता है, लोग व्यूज पे जाते हैं, क्वालिटी पे नहीं जाते हैं, ठीक है। जिसका फालतू वीडियो मिलियन में रहेगा बस वही देखेगा, और उससे एग्जाम नहीं निकलेगा। एग्जाम निकालने के लिए कोचिंग संस्था कुछ नहीं कर सकता है, आप स्वयं करेंगे। आप डेली अगर जीके जीएस प्रैक्टिस नहीं करते हैं, मैथ 50 और मैथ रीजनिंग 50-50 क्वेश्चन डेली नहीं बनाते हैं, 200 क्वेश्चन जीके डेली नहीं बनाते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, मैं लिख कर दे देता हूँ, ठीक है।
सिर्फ आप किताब पढ़े जा रहे हैं, किताब पढ़े जा रहे हैं, पढ़ते ही रह जाइएगा। तो इसलिए प्रैक्टिस इज सो इम्पोर्टेंट फॉर दोज टाइप ऑफ एग्जामिनेशन लाइक बिहार एसएससी सीजीएल एंड 70 बीपीएससी पीटी। ठीक है, पीटी के लिए और मेंस के लिए भी, बीपीएससी मेंस के लिए भी आपको डेली कम से कम दो आंसर राइटिंग तो लिखना ही चाहिए, दो से तीन। आप डेली 8 से 10 प्रश्न आप वहाँ एग्जाम में सॉल्व करेंगे, मतलब डेली नहीं, जब एग्जाम होगा मेंस का, तो आप 3 घंटे का पेपर कैसे लिखेंगे। यहाँ तो 20 मिनट भी आप नहीं लिख रहे हैं। तो ये बात है, तो वैकेंसी आ रही है, आई होप कि ये जल्दी पूरी हो जाएगी। और पूरी नहीं अगर सरकार करेगा तो हम सब बार बार जो है सरकार को याद दिलाएंगे कि भाई आप वैकेंसी ला रहे हैं तो जल्दी अर्लियर स्टेज में पंचवर्षीय योजना नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये बार बार YouTube के माध्यम से सरकार को अवगत कराया जाएगा कि आप वैकेंसी जो लाएँ उसको फुलफिल कीजिए अगले 1 से 1.5 सालों में। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ का बात होता है, समय बीतते जाता है, तो इस बात को सरकार को भी समझना चाहिए। जैसे इलेक्शन 5 साल में कंडक्ट होता है, भाई हम सब का भी कुछ है, तो हम सब का भी जो है कंडक्ट 1 से 1.5 साल में सारा वैकेंसी को फुलफिल कर लिया जाए। आई होप कि ये सरकार कर भी लेगी। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं। इसके ऊपर अगर आप बोलेंगे सिलेबस के ऊपर डिस्कस कर दीजिए, इसके अलावा बीपीएससी का तो मैं बहुत बार चर्चा कर लिया हूँ। सीजीएल 4 के ऊपर अगर आप बात करेंगे तो सिलेबस के ऊपर अगर डिस्कस करने बोलेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है, आप सब तैयार हो जाइए और तैयारी कीजिए। ठीक है, एक वीडियो हमारा देखते हैं, एक वीडियो कहीं और का देखते हैं, फिर कोई किताब मार्केट में आया वो बनाने लगते हैं, फिर कोई नया बुक छाप दिया एनसीईआरटी का तो एनसीईआरटी में दौड़ पड़े। सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, 50 बुक पढ़ते रहिएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। एक बुक को 50 बार पढ़िए, सिलेक्शन जरूर होगा। ये बात आराम से आप सब समझ गए होंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम सब डिटेल में बात करेंगे। ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। इन्फॉर्मेशन पसंद है और हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और भी बात करेंगे बिहार सीजीएल 4 के ऊपर। और आई होप कि जल्द ही ये वैकेंसी लगभग अगले मंथ में हमको लगता है आ जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगा, बीपीएससी का तो आ ही जाएगा अगले मंथ और सीजीएल 4 का भी आ जाएगा। तो आप सब तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।